हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कबूतर ट्रैक्टर MU 5501 जो आ रहा है। ये ट्रैक्टर 55 हॉर्स पावर का है, फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। ये पीछे ब्लेड लगी पड़ी है क्योंकि लेजर मशीन चल रही है खेत में। देखने में तो काफ़ी शानदार लग रहा है। ये देखो कबूतर ट्रैक्टर चल रहा है बिल्कुल, जहाँ से ऊँची मिट्टी है वहाँ से उठा के नीची जगह लेके जा रहे हैं। ये हेलेन 3630 लेजर मशीन के साथ फील्डिंग की मशीन है। ये खेत को काफ़ी मात्रा में बराबर कर दिया है, जहाँ से ऊंची मिट्टी वहीं से उठा रहे हैं बस। काफ़ी ऊंचा खेत था, यहाँ से ही कबूतर चल रहा है ट्रैक्टर। देखो दोनों ट्रैक्टर में रेस लगी पड़ी है, कबूतर और जॉन डियर में। जॉन डियर 50-65 ई और कबूतर MU 5501 है। जॉन डियर 60 हॉर्स पावर में, ये कबूतर 55 हॉर्स पावर में। जॉन डियर काफ़ी आगे निकल के आ गया था। दोनों ट्रैक्टर ही काफ़ी टेक्नोलॉजी के मामले में सबसे आगे हैं। बिल्कुल शानदार आवाज़ आ रही है दोनों में से। दोनों ब्लेड को चला रहे हैं, मिट्टी को खींच के आगे ले जा रहे हैं जहाँ नीचे है वहाँ पे। दिखने में तो काफ़ी स्टाइलिश लग रहे हैं दोनों ट्रैक्टर। कोई लोड नहीं पड़ रहा है ट्रैक्टरों में। कबूतर तो आ रहा है ब्लेड लेके, उधर नोवालैंड भी आ रहा है 3630 खेत को बराबर करते हुए। ये फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। आराम से चल रहा है बिल्कुल। आवाज़ ही बड़ी प्यारी आ रही है इसकी। तो दोनों आराम से चल रहे हैं बिल्कुल। और हाँ, अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी कर देना। अब देखते हैं लेजर मशीन कैसे काम करती है और कबूतर जॉन डियर ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस मामले में। खेती के मामले में दोनों ट्रैक्टर अच्छे हैं, कबूतर और जॉन डियर भी। दोनों 55 HP में और एक 60 HP में आराम से वर्क करते रहते हैं।
नंबर मत लगा, बच्चा निकल पा देगी।